वंदे भारत की स्पीड तो कही जाती है 160 के आसपास, लेकिन अभी देखिए कितना खतरनाक है। कोई लोको पायलट ये नहीं चाहता है कि किसी की जान, हम तो इंसान छोड़ो हम तो जानवर को भी मारना नहीं चाहते। रूट हिंदी पे पहली बार मैं आपको ये कह सकता हूँ, हम ट्रेन के लोको पायलट के साथ भी यात्रा करेंगे। ट्रेन खुलने का समय हो गया है, कहा जा चुका है कि अगर अंदर नहीं गए तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा, तो हम अंदर चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। सिग्नल दिया हुआ है ना, गार्ड का काम है, गार्ड ने जैसे ही बीट दिया बस सिग्नल दिया है। करेगा कि अपना सिग्नल दिया हुआ है, उसके बाद यस मैम राइट, गाड़ी स्टार्ट बराबर 16:05 को गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है और उसका जो ये लोको पायलट का केबिन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, वो पहले के ट्रेनों से कितना अलग है? एकदम ही अलग है। अब इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, क्योंकि उनके कैब और उनका जो फंक्शन है और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहे है वंदे भारत जो ट्रेन है, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट है इसका। जैसे हमारे नॉर्मल मेल ट्रेन की वर्किंग है, उसके एक सिंगल इंजन होते हैं, उस इंजन का कैब मैक्सिमम हम जहाँ खड़े हैं इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 से 6 फुट का कैब होगा। ये इतना स्पेशियस कैब नहीं है। इसका क्या मतलब होता है जो डबल एलो सिग्नल? अभी आप कभी आप सिग्नल पोस्ट के ऊपर भी सिग्नल को देखेंगे तो ये सिग्नल के ऊपर हमारे हर एक सिग्नल ऑटोमेटिक सेक्शन पर सिग्नल को हम नंबर से कॉल आउट करते हैं, तो सिग्नल की पहचान उसकी नंबर है। असिस्टेंट लोको पायलट का काम है वो सिग्नल कॉल आउट करना और ड्राइवर को बताना कि भाई हम ये सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं, अब वी आर गोइंग टू पास दिस सिग्नल। वन एलो अभी ये मल्टी एस्पेक्ट है, 4 एस्पेक्ट है हमारे सभी सिग्नल से। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे एक व्यस्त स्टेशन से ट्रेन खुली है तो जितने सिग्नल हैं उसको देखते हुए कि कहाँ पे क्या सिग्नल है तब आगे जाके गाड़ी स्पीड पकड़ती होगी। स्पीड हाँ, उस हिसाब से सिग्नल के हिसाब से ही गाड़ी की स्पीड्स को कंट्रोल। जब भी सिग्नल ग्रीन होता है तो लोको पायलट्स को दे आर ऑथराइज टू वर्क द ट्रेन विद द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। इसीलिए देखिए ये दिलचस्प है, हम जब यात्री के तौर पे यात्रा करते हैं तो लगता है कि ट्रेन खुली है स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा, स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा है ना, तो उसकी वजह ये है। उसकी वजह ये है। अब ये आगे का सिग्नल भी अगर येल्लो डबल येलो हुआ है तो इसका ये मतलब है कि उसका आगे का सेक्शन में कोई गाड़ी है। अब मैडम ने जो है यस ब्रेक पावर टेस्ट किया है, ब्रेक पावर टेस्ट हुआ है गाड़ी का। अब हमको 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी का ब्रेक पावर जो लोको पायलट को समझना चाहिए ना गाड़ी का ब्रेक पावर कैसा है, क्योंकि लोको पायलट जो है अब 105 और 110 के स्पीड से गाड़ी चलाना है तो उनको ब्रेक पावर भी तो जानना चाहिए कि एक ब्रेक कितने देर में गाड़ी रुकेगी, तो इसके लिए ये ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। जो पैनल हम अभी देख रहे हैं अपने सामने वंदे भारत का, कोई ऐसी चीज़ इसमें जो आपको लगती है कि वंदे भारत में पहली बार इंडियन रेलवे में आई है? इसमें पहली बार जैसे आपको पता होगा ये जो है टीकास, इसको बोलते हैं टीकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, ये वो सिस्टम है। अब फिलहाल हमारे यहाँ ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये वो सिस्टम है कि अगर सिग्नल लाल होगा या आगे कोई गाड़ी होगी तो ये उसको पहले से ही भांप लेगा, ये उसको पहले से ही एक जांच लेगा और गाड़ी को कोलाइड होने से बचा लेगा, पहले से ही गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर देगा। ये जो सिस्टम है वंदे भारत में एकदम नया है, ये और किसी गाड़ी में हाल फिलहाल है नहीं, वंदे भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत साफ है तो आसानी से सारी चीजें दिख रही हैं। यही जो कुहासा लग जाता होगा ठंड के समय, कुहासा इसीलिए ट्रेन स्लो हो जाती है उस समय, तब हमको यस तब दिखता नहीं है ना, जो कोहरे के वक्त में यहाँ पे आपको एक सिग्मा। अभी देखिए कितना खतरनाक है, मैंने देखा है उस पर मेरी नजर को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी स्पीड ट्रेन आ रही है और लोग सामने से पार कर रहे हैं। वंदे भारत को लेकर के जो एक चर्चा होती है देखी कि किसी मवेशी से या किसी से वंदे भारत टकरा गई और आगे का कुछ हिस्सा टूट गया, तो उसमें बड़ी आलोचना हुई कि मतलब कैसा बनाया है, क्या वो क्या है, वो किस तरीके का? वेस्टर्न में ये 2-3 केस हो गया था वंदे भारत का, 130 के स्पीड में कैटल को हिट रन किया और आगे का जो हुड उनका डैमेज हो गया। अब यहाँ पर
अच्छा है, और मैंने भी इसके पहले जो वंदे भारत एकंपनी किया वो शिरडी के शिरडी साई नगर वाले में हमने भी एक कैटल रन ओवर किया है, लेकिन फॉर्चुनेटली 110 का स्पीड था जब हमने कैटल को हिट किया था। ये नासिक वायल अप्रोचिंग नासिक स्टेशन किलोमीटर 175 के आसपास हमने एक कैटल को रन ओवर हिट किया था, लेकिन हम गाड़ी को रोके थे, हमने पूरा छानबीन किया, तो फॉर्चुनेटली हमारे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कोई लोको पायलट ये नहीं चाहता है कि किसी की जान, हम तो इंसान छोड़ो हम तो जानवर को भी मारना नहीं चाहते। ये किनको बोला? ट्रेन मैनेजर। अच्छा ट्रेन मैनेजर, क्योंकि उन्हीं का काम है डोर ओपन करना। अच्छा, असिस्टेंट लोको पायलट का काम है कि हमेशा जब भी स्टेशन आता है तो ट्रेन मैनेजर को ये बता दें कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जब रुकने वाली है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। अकॉर्डिंगली ट्रेन मैनेजर लेफ्ट साइड या राइट साइड के डोर ओपन करेगा फॉर पैसेंजर्स। वंदे भारत के केबिन में मतलब लोको पायलट केबिन में बिताने के बाद देखा आपने कितना माहौल तनावपूर्ण रहता है अंदर, अभी तो यात्रा लंबी है। एब्जॉर्ब करने के लिए, रन करने के लिए फिट होना चाहिए। जब ट्रेन चलती है चाहे वंदे भारत हो या बाकी, उसके पीछे की जो तकनीक है थोड़ा सा वो हम आम आदमी के लिए समझना चाहते हैं। ड्राइवर एक लोको ऑपरेटर है, उसका काम है ट्रेन को सही चलाना और सही स्पीड देना उसको, जैसे जहाँ पे लिखा गया है उतने स्पीड से गाड़ी को चलाना और सही जगह पर गाड़ी को रोकना, ये ड्राइवर का पायलट का काम है। ड्राइवर को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बट हर एक सेक्शन के बीच में अगर कोई काम चल रहा है या कोई स्पीड का कोई लिमिटेशन है तो एक कॉशन ऑर्डर नाम का एक पर्ची दिया जाता है ड्राइवर को, लोको पायलट को। और ये असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के बीच की बातचीत है जो लगातार चलती रहती है, आप भले से हो सो रहे हो लेकिन इनके बीच की बातचीत चलती रहती है और इसी के भरोसे ट्रेन दौड़ती है। अब देखते हैं अगला सिग्नल क्या है, मुझे भी दिलचस्पी है। ग्रीन आपकी बात सुन ली है क्या? नहीं 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 बंद है। तो ये जब से ट्रेन चली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से तब से पहली बार मैंने ये हंसी मजाक वाला माहौल देखा है अभी तक केबिन में। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिग्नल किस रंग का है असिस्टेंट लोको पायलट ने बताया और मैडम ने उसको रिपीट किया, उसके बाद गाड़ी बड़ी और घटी, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल हल्का होगा, अच्छी बात है। शाम ढल गई है, 6:49 का समय हो गया है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। ये जो मैडम इस पे आप हाथ कभी हटाती नहीं है, इससे क्या होता है? इससे क्या ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग। अच्छा, इसी से जैसे हमारा गाड़ी में हमारे पास एक्सीलरेटर है। अच्छा, और ब्रेक है। अच्छा, ये वैसे ही ये एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों का काम करता है। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेटर का काम करेगा और इसको अपनी तरफ ले आएंगे तो ब्रेकिंग का काम। जब ट्रेन इंटर हो रही होती तो उस समय का जो स्पीड है वो नॉर्मल यही रहता है? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द स्टेशन टू स्टेशन। अच्छा, अब पूना स्टेशन में पूरे वहीं से हमने देखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड ही 10 km/h का। अच्छा, तो इसलिए अब
लोको पायलट यहाँ पे 10 km/h की स्पीड से आ रहा है। यही आपने कल्याण में देखा होगा कि हमारी गाड़ी 25-30 की स्पीड से आई थी। अच्छा, अब आगे आप गाड़ी में देखोगे तो हमारी गाड़ी हुई 30-40 की स्पीड से एंटर होगी। मतलब लोको पायलट का जो केबिन है वंदे भारत का, उसमें जो गतिविधि आपने 4 बजे के बाद हमने आपको दिखाई वही कंटिन्यू है। वही सिग्नल देखना, एक दूसरे को सूचित करना और आगे किलोमीटर के हिसाब से कितनी स्पीड पे जाना, गाड़ी को लाना, हॉर्न बजाना, वो प्रक्रिया करते करते 4:05 पे चली थी ट्रेन वहाँ से। और अभी 10:32 हुए हैं, शोलापुर को अप्रोच करने वाली है, शोलापुर पहुँचने वाले, ग्रीन सिग्नल है सामने। और ये रात में कुछ कुछ ऐसे दिखता है, ये भी देख लीजिए रात के वक्त जो लाइट है उससे कितने दूर का दिखता है इनको, अब वो भी आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग शोलापुर पहुंचने वाले, थोड़ा समझाते रहिएगा, फिर से आपकी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी क्या हुआ, अभी पिछले 5 मिनट में स्पीड ठीक ठाक थी, फिर देरी हुई? नहीं, अभी तो ये सिग्नल येलो है, आगे शोलापुर का जो होम सिग्नल है वो लाल होगा, तो इसलिए अभी स्पीड कम हुआ है, धीरे धीरे सिग्नल देखेंगे। अच्छा, और उस हिसाब से गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। इसकी जो लाइट है वो एक ही तरह की लाइट होती है या 2-3 तरह की लाइट होती है? जो हेडलाइट है उसमें कुछ होता है? नहीं, हेडलाइट अभी इसमें आजकल की जो नए ट्रेन्स हैं उनमें LED के जो क्लस्टर्स लगे होते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के नहीं, तो पहले जो हेडलाइट होते थे वो ट्विन बीम होते थे फिलामेंट वाले। अच्छा, जिनका फोकस उतना अच्छा नहीं होता था जितना इसका फोकस है। इसका फोकस कैसा है कि 305 मीटर का है, मैक्सिमम डिस्टेंस 305 मीटर कवर करता है इसको, एंड वो भी ऑन दी ट्रैक होता है। और उसका क्या होता था? उसका मैक्सिमम 240 मीटर का डिस्टेंस था उसका। अच्छा। और वो ट्विन बीम के होने की वजह से, बल्ब के होने की वजह से कभी वाइब्रेशन में बल्ब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका जो फोकस है ऑन दी ट्रैक नहीं होता था, मिल जाता था। लो मिल गया, येलो मिल गया डाइवर्शन, अभी डाइवर्शन मिला एक नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा, अब हमारा मैक्सिमम स्पीड 15 km/h से हम जाएंगे और प्लेटफॉर्म पे रुक जाएंगे। ये सब बात करते हुए हम लोग सोलापुर पहुंच गए। सोलापुर पहुंच, यात्रा समाप्त। यस, यात्रा समाप्त। अराइवल के लिए 45 हमें, यात्रा समाप्त, यात्रा फाइनल। यस।